नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेल्स पेल्सी, फेशियल पैरालिसिस या मुंह का लकवा। दोस्तों, जिसको भी ये समस्या होती है, देखा जाता है कि ये समस्या फेस पे ही होती है। हमारे चेहरे पर दोनों साइड में गाल होते हैं, चिक्स होते हैं, और इसका काम होता है जब हम हंसते हैं तो जब गाल की मसल्स खिंचती हैं तो हमारा चेहरा हंसते हुए भी सीधा लगता है। और ये जो कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन से कुछ क्रेलेन नर्व्स निकलती हैं, पांचवी और सातवीं नंबर की क्रेल नर्व्स हैं, वो इसकी देखभाल करती हैं। ये दोनों साइड में होती हैं, एक लेफ्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में होती है। मान लीजिए किसी कारणवश इन क्रेल नर्व का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है या ये जो केमिकल बनाती हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसके कारण से भी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए व्यक्ति का चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, यानी कि जो हमारे गाल के चिक्स को कंट्रोल करने वाली पांचवीं और सातवीं क्रेन नर्व से, वो उनका जब फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, मान लीजिए जैसा मैंने बताया कि दोनों साइड से निकलने वाली ये नर्व से जो लेफ्ट साइड की है वो ठीक प्रकार से कार्य कर रही है और राइट साइड वाली में दिक्कत आ गई है, तो इस कंडीशन में चेहरा एक साइड में चला जाता है और कहा जाता है कि फेशियल पैरालिसिस हो गया है। यानी कि जो क्रेन नर्व से उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाने से भी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर किसी को यह जन्म से हुआ है तो किसी वायरस के कारण से हो सकता है, अगर बड़ी उम्र में हुआ है तो किसी को वायरस के कारण से भी हो सकता है या कुछ अन्य कारण से भी हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कमरे में है और वहां एसी चल रहा है और एसी की ठंडी हवा चेहरे पर एक साइड लग रही है, तो इस कंडीशन में भी फेशियल पैरालिसिस यानी मुंह का लकवा हो सकता है। या व्यक्ति ट्रेन या बस में सफर कर रहा है और वो खिड़की की साइड वाली सीट पर बैठा हुआ है, उसके एक चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास हो रहा है, उस कंडीशन में भी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। दोस्तों, जब ये फेशियल पैरालिसिस जिसको हो जाता है तो इसके बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। कई बार तो व्यक्ति का होंठ एक साइड में चला जाता है, कई बार उसके लिप्स पर, उसके होठों पर भी इसका इफेक्ट आता है, और ज्यादा दिक्कत हो जाए तो कई बार टंग पर भी, जीभ पर भी इसका असर आता है। जब व्यक्ति खाना खाता है या कुछ चबा रहा होता है तो उसको चबाने में बहुत दिक्कत आती है और कई बार इस वजह से उसकी जीभ भी कट जाती है, और कई बार अगर वो व्यक्ति पानी पी रहा है तो पानी मुंह से निकल जाता है, और जब आंख इफेक्ट हो जाती है तो आंख से निरंतर पानी निकलता रहता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं, इस लक्षण के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि इनको फेशियल पैरालिसिस हो गया है। दोस्तों, अगर किसी को फेशियल पैरालिसिस हुआ है तो उसको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के माध्यम से ठीक करना भी बहुत आसान है, बड़ी आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो फेशियल पैरालिसिस को भी घर पर भी ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं। पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना है, और यहाँ दोस्तों क्रेलिन नर्व्स जो मैंने बताया वो यहाँ होती है कान के नीचे वाली साइड में, दोनों साइड में। थोड़ा सा हमें टैल्कम पाउडर लगाना है, ऐसे ही राइट साइड में लगाना है, और हमें अपने अंगूठे से प्रेशर देना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले लेफ्ट साइड 10 टाइम्स, उसके बाद राइट साइड। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले लेफ्ट में 1 मिनट गैप देना है, फिर इसी प्रकार से 10 टाइम्स लेफ्ट साइड और 10 टाइम राइट साइड, फिर 1 मिनट गैप, फिर लेफ्ट 10 टाइम्स और राइट में 10 टाइम्स, यानी कि 1-1 मिनट गैप पर 3 बार करना है, उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले हमने 10 टाइम्स के 3 ट्रीटमेंट दिए थे 1 मिनट गैप पर, फिर हमने 14 टाइम्स लेफ्ट साइड करना है, उसके बाद राइट साइड यहाँ पर करना है। ये देखेंगे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर हमें जैसे कि 14 टाइम्स हमने लेफ्ट किया, फिर राइट किया, फिर हमें 1 मिनट गैप, फिर लेफ्ट 14 टाइम्स, फिर राइट 14 टाइम्स, फिर 1 मिनट गैप, फिर लेफ्ट 14 टाइम्स और राइट 14 टाइम्स, यानी कि 1-1 मिनट गैप पर हमें 3 बार 10 टाइम्स करना है और फिर 1-1 मिनट गैप पर 14 टाइम्स करना है, ऐसा हमें करना है, उसके बाद देखते हैं। जैसा दोस्तों मैंने बताया कि जब भी फेशियल पैरालिसिस होता है फेस एक साइड चला जाता है पेशेंट का। मान लीजिए किसी का चेहरा
लेफ्ट साइड चला गया है, तो हमें अपने हाथों की मदद से इधर की जो मसल्स हैं उन्हें खींचकर दूसरी साइड लाना है, यानी कि अपोजिट साइड लाना है, बड़े आराम से बहुत आसानी से। यहाँ से माथे से शुरू करना है और मसल्स को खींच के हमें इधर लाकर ऐसे करके क्लॉकवाइज करना है। ऐसा हम 3 से 4 बार कर सकते हैं। इधर बार इधर से फेस की मसल्स को खींचकर, क्योंकि फेस उधर टेढ़ा हो गया, धीरे धीरे से, ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे से, क्योंकि जो फेस की स्किन होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, धीरे धीरे से इस प्रकार से करने। इसके बाद जो ये ठोड़ी है, चिन है, इसके पास से लाना है इस प्रकार से, ऐसा 3 से 4 बार करना है। उसके बाद दोस्तों जो ये कान के पीछे इधर, यह हमें अपने अंगूठे से थोड़ा सा तेजी से दबाना है। इस प्रकार से हमें फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह के लकवे का ट्रीटमेंट करना है। बहुत अच्छे रिजल्ट से आप ट्राई जरूर करें। कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते। दोस्तों अभी आपने देखा फेशियल पैरालिसिस जैसी दिक्कत के लिए न्यूरोथेरेपी का जबरदस्त ट्रीटमेंट। आपको दिक्कत चाहे कितने भी दिनों से क्यों ना हुई हो, चाहे ये समस्या बच्चों में हुई हो, चाहे बड़े एज के व्यक्ति में हुई हो, अगर हम ये ट्रीटमेंट रेगुलर करते हैं तो निश्चित ही हमारी जो ये समस्या है फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह के लकवे की, ये हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। जो चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो गया है वो वापस ठीक हो सकता है, आपका चेहरा बिल्कुल सीधा हो सकता है। चाहे डॉक्टर ने कितने भी टेस्ट कराए हों, चाहे आपको दवाइयों से कितने भी मतलब आराम ना आया हो, तो इस ट्रीटमेंट के माध्यम से आप 100% ठीक हो सकते हैं। फिर भी दोस्तों आपको कोई समस्या रहती है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे, आपको समझने में कोई कठिनाई है, आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, हमारे यहाँ आकर न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हो सकता है कि ठीक होने में कुछ समय लगे, लेकिन ये दिक्कत हमेशा के लिए 100% ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो फीचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।